सरकार से यह आग्रह या विनती है कि वह खिलाड़ियों को एक नजर से देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और स्वागत है आपका हमारे खास शो में मेरी भी सुनो सरकार। देश की एक बेटी ने एक वीडियो के जरिए अपना दर्द देश के सामने रखा है। जी हां, सरकार को जगाने की कोशिश की है। उस बेटी का दर्द सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। गुमनामी के अंधेरों में खोता जा रहा है भारत का एक और चमकता सितारा। उसे खोने से बचाना है, जयराम सरकार को जगाना है। मेरा सरकार से यह आग्रह या विनती है कि वह खिलाड़ियों को एक नजर से देखें। तो शिलाई में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने वाली बेटी को सरकार भूल गई है। सिरमौर की एक बेटी शालू का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उसने अपने दर्द को साझा किया है। एशिया में पैसा पालो खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली शालू शर्मा ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि हिमाचल की बेटी के लिए अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कवायद जारी है। देश की बेटियों को आगे बढ़ने की राह दिखाई जा रही है। देश की कई बेटियां बुलंदियों को छू रही हैं। कहीं कोई फिल्म स्टार बनकर तो कोई क्रिकेटर बनकर, कोई पत्रकारिता में अपना सिक्का जमा चुकी है तो कोई खेल और रेसलिंग का हिस्सा बनकर दुनिया भर में देश का नाम रोशन कर चुकी है। तो वहीं कुछ बेटियां ऐसी भी हैं जिन्होंने देश का नाम तो ऊंचा किया मगर उन्हें देश से क्या मिला, शायद कुछ नहीं। वो खाली हाथ हैं, सरकार उनकी सुन नहीं रही है या यूं कहें कि उन्हें भूल चुकी है। सिरमौर के शमहा गांव की रहने वाली हिमाचल की बेटी मौजूदा समय में भारतीय पेसा पालो टीम की कप्तान है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने में जुटी सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र की बेटियां हिमाचल का मान बढ़ा रही हैं। लेकिन इनमें से एक बेटी ऐसी है जिसकी ओर देखना शायद प्रदेश सरकार भूल गई है। हम बात कर रहे हैं जिला सिरमौर के शमहा गांव की शालू की। इस खिलाड़ी ने पेसा पालो खेल में भारत को स्वर्ण पदक और विश्व कप में कांस्य पदक दिलाया था मगर फिर भी देश के नाम पदक जीतने के बाद ये खिलाड़ी लगता है कहीं गुमनामी के अंधेरे में खो गई है। आप खुद सुनिए शालू की जुबानी किस तरह मुफलिसी के दौर से गुजर रही है वो लड़की जिसे शायद इस वक्त बुलंदियों पर होना चाहिए था। हमारी सरकार खेलों के प्रति हमें काफी प्रोत्साहन कर रही है तो हम चाहते हैं कि हमारी गेम को भी इस प्रकार से ही बढ़ावा मिले जिस प्रकार से हमारी सरकार बाकी सभी गेमों के खिलाड़ियों को मान सम्मान देती है, उस प्रकार से ही हमें भी मान सम्मान दिया जाए। मैं पैसा पोलो इंडिया टीम की कैप्टन हूँ। जुलाई 2017 में हमारा जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें हमारी टीम ने कांस्य पदक लिया है और यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने अपने प्रदेश और देश प्रदेश का नाम रोशन किया है। यही नहीं बल्कि जनवरी 2018 में हमारा एशिया कप हुआ था उसमें हमारी टीम ने गोल्ड मेडल लिया है तो यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे इंडिया टीम की कैप्टन बनाया गया या मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है यही नहीं बल्कि मुझे वर्ल्ड की बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिला था तो मैं चाहती हूँ कि या मेरा सरकार से यह आग्रह या विनती है कि वह खिलाड़ियों को एक नज़र से देखें, चाहे वह क्रिकेट के खिलाड़ी हो, चाहे वो कबड्डी के खिलाड़ी हो, चाहे वो पैसा पोलो के खिलाड़ी हो। तो मैं सरकार से यह विनती करना चाहती हूँ कि वह सभी खिलाड़ियों को एक नज़र से देखें। वीडियो में शालू शर्मा की बात सुनकर आप भावुक हो जाएंगे। शालू शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है लेकिन उसे अपने ही राज्य में उसे उपेक्षा झेलनी पड़ रही है। जाहिर है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश की इस बेटी ने पेसा पालो खेल में एशिया में भारत को स्वर्ण और विश्व कप में कांस्य पदक दिलाया। साथ ही विश्व कप में शालू ने अपनी असाधारण प्रतिभा का लोहा मनवाया।
ऐसे में सरकार को भी शाहरुख के बेहतर भविष्य और खेल के प्रति लगन बनाए रखने के लिए कुछ साक्षर कदम उठाने होंगे, जिससे न सिर्फ शाहरुख को ही बल्कि प्रांत की बाकी लड़कियों के मन में भी देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा कायम हो सके। स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक। तो ये था हिमाचल की बेटी का दर्द। आखिर क्या है ये खेल पैसा पालो, ये कहां से खेला जाता है, और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर ये खेल है क्या। खेले जाने वाले इस खेल को फिनलैंड का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। ये बेसबॉल से मिलता जुलता खेल है, लेकिन इसके नियमों में अंतर है। डिफेंस में एक टीम में 9 सदस्य शामिल होते हैं। जर्मनी, कनाडा, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में इसे खेला जाता है। 1952 में इसे ओलंपिक में भी प्रदर्शित किया गया था। तो इसी खेल में शालू ने जो है अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है, और जो है उसने गोल्ड मेडल जीता है, कांस्य मेडल जीता है, यानी ब्रोंज मेडल उसने जीता है, लेकिन उसे मान सम्मान वो प्रदेश में नहीं मिल पाया है। 1952 में इसे ओलंपिक में भी प्रदर्शित किया गया था। तो ये पैसा पालो खेल है जिसकी कैप्टन है शालू, और उसने अब सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें या फिर सभी खिलाड़ियों को एक नज़र से देखा जाए, क्योंकि सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाता है, खेलों को बढ़ावा देने की बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं शालू को सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया है, जिसे लेकर अब उसने सरकार से गुहार लगाई है। तो ये बेसबॉल से मिलता जुलता खेल है, लेकिन कह सकते हैं कि नियमों की अगर बात की जाए तो नियमों में दोनों के अंतर है। डिफेंस में एक टीम में 9 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। जर्मनी, कनाडा, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में इसे खेला जाता है, और 1952 में इसे ओलंपिक में भी प्रदर्शित किया गया था। और इसी खेल में शालू ने कांस्य पदक जीता है और साथ ही साथ गोल्ड मेडल की भी वो विजेता रही हैं। पूरी टीम को उन पर गर्व है, वो कैप्टन रही हैं टीम की, लेकिन अब शायद गुमनामी के अंधेरे में शालू कहीं ना कहीं खोती जा रही हैं, जिसे लेकर अब उन्होंने हिमाचल की सरकार से गुहार लगाई है। तो अब हिमाचल की बेटी ने गुहार लगाई है सरकार से, क्योंकि इस बेटी का कहना है कि खेलों को प्रोत्साहन दिया जाता है, खिलाड़ियों को जो खिलाड़ियों का बढ़ता टैलेंट है उसे देखकर सरकार हमेशा से कहती आई है कि प्रोत्साहन खिलाड़ियों को दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल की बेटी का कहना है कि उसे नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो सिरमौर की सब बेटी का ये वीडियो वायरल हुआ है, और वीडियो में ये बेटी अपने दर्द को बयां करती नजर आई है। उसका कहना है कि सरकार को अब जागने की जरूरत है, क्योंकि खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की बात सरकार की ओर से की जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है। शालू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया है देश को, और उसके बावजूद भी ये सितारा कहीं खोता नजर आ रहा है। हिमाचल की बेटी ने जब फिनलैंड में हिमाचल और देश का नाम रोशन किया था, तब उसके माता पिता खुशी के मारे फूले नहीं समाए होंगे। फिनलैंड के टुर्कु शहर में 20 से 24 जुलाई 2017 तक आयोजित 9वीं पैसा पालो वर्ल्ड कप में हिमाचल प्रदेश की बेटी शालू ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी जीता और देश का नाम रोशन किया। शालू सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र के शमाह गाँव की रहने वाली है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ देश बल्कि प्रदेश का नाम रोशन करने वाली सिरमौर की बेटी को मान सम्मान देना शायद प्रदेश सरकार भूल गई है, या फिर यूं कहें कि बाकी खेलों की चकाचौंध के बीच शालू को पैसा पालो खेल में मिले स्वर्ण पदक की चमक भी कहीं ना कहीं फीकी पड़ गई है। और आखिर क्यों एक चमकते सितारे को मुफलिसी के अंधेरे में खोना पड़ा, इस रिपोर्ट में देखिए। देश का नाम रोशन करने वाली शालू शर्मा आज गुमनामी की जिंदगी जी रही है। बेहद गरीब परिवार में जन्मी गिरिपार की बेटी शालू शर्मा का जीवन किसी प्रेरक प्रसंग से कम नहीं। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी शालू ने हार नहीं मानी, और निरंतर कोशिशों के बाद भी पैसा पालो खेलों में एशिया कप में भारत को स्वर्ण और विश्व कप में कांस्य पदक दिलाया। विश्व कप में हमारी इस बेटी की असाधारण प्रतिभा का लोहा न सिर्फ देश ने माना और उन्हें इस खेल की कप्तानी भी सौंपी, बल्कि उन्हें यहाँ बेस्ट खिलाड़ी के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। लेकिन इस बेटी की विडंबना ये रही कि इसकी प्रतिभा के आगे शायद इसकी गरीबी भारी पड़ गई, तभी ये बेहतरीन खिलाड़ी आज सरकारी मान सम्मान के इंतजार में गुमनामी की तरफ बढ़ती चली जा रही है। बचपन से इसका खेलने कूदने का मन था,
पढ़ने लिखने का, बस फिर हम चाहते थे इसको कि पढ़ाए लिखाए, बाकी लड़कियों को आगे भेज नहीं सकते हमें। फिर हमारे गांव में ऐसे बोलते रहते गांव की लड़की आगे जा नहीं सकती, बस फिर इसका तो शौक था, फिर हमने इसको आगे भेजा। बाकी जैसे कैसे करके ना हमने इसको किया, ज़्यादा वो भी नहीं कर नहीं सकते थे। खेल कूद में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी, तो हमने इसकी अपनी गरीबी की हालत में भी इसका बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया। ये खेल कूद में बहुत आगे जाके पड़ी बड़ी, और क्या बोलते हैं, हमारी सरकार से अपील है कि शालू शर्मा की तरफ ध्यान दिया जाए, इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। शालू के पिता एक चाय की दुकान में काम करते हैं और शालू की माँ खेती बाड़ी का काम करती है, जिससे परिवार का गुजारा चल पाता है। आपको बता दें कि शालू शर्मा के घर की हालत भी काफी खस्ता है और घर जगह जगह से टूटा हुआ है। सरकार को इस खिलाड़ी और इसके घर के बारे में विचार करने की जरूरत है। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है और खेलों को बढ़ावा देते हुए खेल प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ हमारी देश की बेटी शालू दोनों तरफ से महरूम रह गई है। शालू के पिता ने बेहद खराब परिस्थितियों में भी अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ा और न ही हालात से समझौता कर उसे घर बिठाया। ये खेलों में बचपन से लेकर जज्बात रखती जी और अपना वो दिखाना चाहती थी ना जी। फिर हम गरीब फैमिली से हैं सर और खेती बाड़ी का काम करते हैं और यहाँ चाय की दुकान है, तो मतलब आप चाय की दुकान पे काम करते हो? हाँ, चाय की दुकान पर काम करता हूँ सर। और मतलब ये जैसे खेलों में अपनी रुचि दिखाती थी ना जी, फिर हमने इधर उधर से पैसा लेके थोड़ा खर्चा लेकर ना लोगों से इसका मनोबल पूरा किया, फिर देश विदेश के लिए जैसे खेलती है ना सर ये, तो ये देश का नाम रोशन होता है ना सर, जैसे तो हमारे को इसमें बड़ी खुशी होती है सर। शालू शर्मा के इस टैलेंट को देखकर अध्यापकों ने बताया कि शालू बचपन से ही खेल में अव्वल रहती थी, जिसका नतीजा ये है कि आज उसने न सिर्फ सिरमौर का नाम रोशन किया बल्कि देश का भी नाम रोशन किया है। शालू हमारे विद्यालय की राजकीय माध्यमिक पाठशाला शर्मा की छात्रा रह चुकी है, इसने यहाँ पे भी खेलों के प्रति इसका बहुत ही अच्छा रुझान रहा है। और जैसा कि हम सबको पता है कि ये इसने 2 times ये बैडमिंटन में हमारे स्कूल से इसने पार्टिसिपेट किया है, और फिर उसके बाद इसने हमारे नेशनल में भी खेल चुकी है हैंडबॉल में। अब ये इसने पैसा पोलो में देश का लिए गोल्ड मेडल लाया है, जिससे कि हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। वहीं जहां शालू की इस उपलब्धि से उनके अध्यापकों और गांव वालों को फक्र है, तो वहीं शालू के दोस्तों में भी काफी खुशी देखने को मिली है। हमारी सरकार ने खेलों और खिलाड़ियों के प्रतिभा को हमेशा से बढ़ावा दिया है, चाहे वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान हो या सरकार का कोई और अभियान हो। शर्मा मेरी फ्रेंड है और ये बचपन से इसे खेल में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी थी, हम साथ ही यहाँ पे पढ़े हैं और इसको ना खेल में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए आज ये देश के लिए मेडल लाई है। हमें बहुत बहुत खुशी है हमारी बेटी ने भारत का शमा का गांव का नाम रोशन किया है, इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी बेटी के बारे में कुछ सोचें। हमारी सरकार की यही कोशिश रही है कि वो जनहित में काम कर सके, लेकिन ये सभी बातें शालू शर्मा के मामले में कहीं गुम सी होती दिखाई दे रही हैं। आज देश की सरकार और प्रदेश सरकार शालू शर्मा को सम्मान दिलाने में शायद पीछे होती नजर आ रही है और शायद यही कारण है कि आज माता पिता अपने बच्चों को खेलों में भेजना नहीं चाहते या बेहतरीन खेल प्रतिभाएं दम तोड़ रही हैं। पोटा साहिब से खबरें अभी तक के लिए प्रेम वर्मा की रिपोर्ट। तो अभी आपने सुना कि शालू के टीचर्स का क्या कुछ कहना है, उनके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, दोस्तों का क्या कुछ कहना है। सीधे शालू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। शालू सबसे पहले आपका स्वागत है खबरें अभी तक में। जी मैम, मैं आप लोगों का सभी का थैंक्स करना चाहूंगी मैम। जी शालू, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने न सिर्फ प्रदेश का नाम रोशन किया है पूरे देश का नाम रोशन किया है, तो सबसे पहले आप अपनी बात रखिए, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से अनदेखी की जा रही है खिलाड़ियों को, उसे लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं उसमें कहना चाहूंगी कि खिलाड़ी को अनदेखा ना किया जाए, सभी खिलाड़ी को एक समान देखा जाए। तो आपका वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें आपने अपनी बात को रखा, आप कैप्टन हैं अपनी टीम की और जो सम्मान आप चाहती थी जो और खिलाड़ियों को मिलता है वो आपको नहीं मिल पाया,
तो उसे लेकर सरकार से क्या कहना चाहेंगी? जी हम यही कहना चाहेंगे कि हमें भी उसी प्रकार से मान सम्मान मिले, उसी प्रकार से रोजगार मिले जिस प्रकार से बाकी खिलाड़ियों को मिलता है। बिल्कुल चालू, तो आपकी इस खबर को हम लगातार 19 तारीख से उठा रहे हैं और खेल मंत्री से भी हमने इसे लेकर बातचीत की है, उन्होंने आश्वासन दिया है। तो पहले सुनिए कि खेल मंत्री ने क्या कहा है। आश्वासन जी, कब तक आप आश्वासन देते हैं, कब तक इन्हें, क्योंकि शालू शर्मा का यही कहना है इसमें आश्वासन देने वाली बात नहीं, पहले हम सारी डिटेल चेक करें, मतलब सारी डिटेल आ जाए ठीक है तो हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे ठीक है। साथ ही गोविंद ठाकुर जी, शालू शर्मा ये कह रही है कि सभी जो खेल है, सभी खेलों के खिलाड़ी जो है उनको एक समान दर्जे पर रखा जाए, उनको बराबर जो है सम्मान दिया जाए, किसी भी खेल के प्रति जो है भेदभाव ना किया जाए। नहीं, किसी खेल के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाता ठीक है, और इसलिए जो बिल्कुल करेंगे, जो भी करने वाला है करेंगे उसमें ठीक है। तो हाँ बिल्कुल जी, कब तक उम्मीद है कि कब तक जो सम्मान जो शालू को मिलना चाहिए वो मिलेगा? देखिए हमने कहा कि सारी डिटेल हमको जो है भेज दे, हम उसको जो सारा स्टडी करते हैं बिल्कुल पक्का करेंगे जी, पक्का करेंगे जी जी। चलिए सम्मान में। तो शालू आपने सुना खेल मंत्री गोविंद ठाकुर का कहना है, उन्होंने आश्वासन दिया है, उनका कहना है कि सारी डिटेल्स उनके पास भेज दी जाएं, वो पूरी डिटेल को स्टडी करेंगे, उनके बाद वो देखेंगे कि क्या कुछ करना चाहिए। तो आपको यकीन है उनके आश्वासन पर, लगता है कि सरकार आपके लिए कुछ करेगी? जी मैम, जब हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने हमें ऐसा कहा है तो हमें उनपे बहुत वो है कि उन्होंने हमें इतना कहा और उनसे बहुत हमें उम्मीद भी है। तो शालू एक चीज और पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से आप वीडियो में अपनी बात रखती सामने नजर आई हैं, तो अब आप आखिर सरकार से क्या चाहती हैं, क्योंकि आश्वासन आपको दे दिया गया है, आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यह है कि हमें भी उसी प्रकार से हमें भी कोटे में लिया जाए जिस प्रकार से बाकी गेमों को लिया जाता है। तो शालू खबरें अभी तक आपसे अपील करता है कि आप अपनी बात सरकार के सामने रखें, और हम भी यही चाहेंगे कि जिस तरीके से आप जैसे खिलाड़ी हैं जो ना केवल प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उन्हें वो पूरा मान सम्मान मिले जो अन्य खिलाड़ियों को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शालू खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो शालू की बात अभी आपने सीधा सुनी, उनका कहना था कि जिस तरीके से और खिलाड़ियों को पूरा मान सम्मान दिया जाता है, उसी तरीके से शालू जैसे अन्य खिलाड़ियों को भी मान सम्मान मिले जो कि आज गुमनामी में खोते जा रहे हैं। आंसू उनके आपने देखे कि किस तरीके से इस चीज़ से बहुत निराश हैं कि उन्हें वो पूरा मान सम्मान नहीं दिया गया। चलिए फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मेरा सरकार से यह आग्रह या विनती है कि वह खिलाड़ियों को एक नज़र से देखें।